हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू लखनऊ डिफेंस कैरियर। दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स ग्रुप सी यानी सिविलियन का वैकेंसी आउट हो चुका है। जी हाँ, तो काफ़ी सारे कैंडिडेट ये सवाल कर रहे हैं कि भैया बता दो, इंडियन एयरफोर्स ग्रुप सी सिविलियन की वर्क प्रोफाइल कैसा होता है, अगर हमारा सिलेक्शन होगा तो हमारा वर्क एनवायरमेंट कैसा रहेगा, क्या हमें एयरफोर्स ग्रुप एक्स वाई कैंडिडेट के साथ काम करने के लिए मौका मिलेगा, क्या हमें ब्लू यूनिफॉर्म यानी वर्दी पहनने के लिए मौका मिलेगा, क्या हमें मेडिकल फैसिलिटी, कैंटीन फैसिलिटी, पेंशन की फैसिलिटी, आपकी जो इंडियन एयरफोर्स ग्रुप से यानी सिविलियन की वैकेंसी और साल आता है अच्छी मात्रा में अच्छी वैकेंसी आता है, लास्ट टाइम में 1500 करीब वैकेंसी आया था, है ना। वहीं दोस्तों सैलरी की बात करूँ तो आपकी जो सैलरी काफ़ी अच्छी रहेगी, है ना। हाँ, एयरफोर्स ग्रुप एक्स वाई कंपेरिजन में थोड़ा सा कम रहेगी लेकिन काफ़ी अच्छी सैलरी रहेगी आपकी। स्टार्टिंग से ही दोस्तों आपकी सैलरी रहेगा 27,000 से लेकर 28,000 के बीच में, क्योंकि आपका MSP नहीं मिलेगा यहाँ पर, है ना। आपकी एयरफोर्स ग्रुप एक्स वाई को सैलरी में MSP मिलता है 5,200 करीब, लेकिन यहाँ पर आपको सैलरी में MSP नहीं मिलेगा लेकिन अदर चीज मिलेगा। वहीं आपकी कैंटीन फैसिलिटी की बात करूँ तो आपको कैंटीन फैसिलिटी मिलेगा, है ना, क्योंकि आप एयरफोर्स एक बड़ा डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन में आप हिस्सा ले रहे हो। वहीं आपकी मेडिकल फैसिलिटी की बात करूँ तो आपको मेडिकल फैसिलिटी 100% मिलेगा। वहीं आपकी पेंशन की बात करूँ, आपको पेंशन नहीं मिलेगी क्योंकि आपका जो जॉब है वो 60 ईयर तक आप जॉब कर सकते हो, ऐसा नहीं कि आप एयरफोर्स ग्रुप एक्स वाई जैसे आपके 15-40 जॉब करोगे, ऐसा नहीं है ना। आप 60 साल तक आप जॉब करोगे तो इसीलिए आपकी जो पेंशन है वो नहीं मिलेगा। स्पेशल पेंशन स्कीम जो होता है वो मिलता है लेकिन आपको एयरफोर्स ग्रुप एक्स वाई जैसे आपको पेंशन नहीं मिलेगा, है ना। वहीं आपकी ड्रेस की बात करूँ, जो आपके ब्लू यूनिफॉर्म की बात करूँ तो आपको ब्लू यूनिफॉर्म नहीं मिलेगा दोस्तों, ये बड़ी बात है। एयरफोर्स सिविलियन को ब्लू यूनिफॉर्म एयरफोर्स ऑफिसर्स एंड एयरमैन पहनते हैं वो आपको नहीं मिलेगा। और ऐसे कई सारे पोस्ट है जैसे आपकी फायरमैन है वहाँ पर आपको मिल सकता है, लेकिन आपको जैसे अदर चीज़ें जैसे आपकी स्टेनोग्राफर है इस तरह से जो पोस्ट है वहाँ पर आपको ब्लू यूनिफॉर्म वर्दी पहन के लिए नहीं मिलेगा, है ना। एयरफोर्स ग्रुप सी सिविलियन में काफ़ी सारे पोस्ट होता है, कहीं उनका जो वर्क इन्वायरमेंट होता है वो डिफरेंट होता है ना। जैसे आपकी कुक, आपको कुक में आपको खाना बनाना पड़ेगा, फर्स्ट में जितने भी मेस है वहाँ पर आपको खाना बनाना पड़ेगा, है ना। स्टाफ जैन दोस्तों, आपके मेस स्टाफ पर आपको खाना सर्व करना पड़ेगा, ऑफिसर मेस या फिर एयरमैन मेस पर आपको खाना सर्व करना पड़ेगा, है ना। टास्किंग स्टाफ, यहाँ पर आपको काफी सारे ड्यूटी अलर्टेड किया जाता है, जैसे आपकी काफी सारे ऑफिस होता है एयरफोर्स की वहाँ पर आपको काफी सारे अलर्टेड किया जा सकता है ना, एजेंट हेल्पर। आपकी हिंदी टाइपिंग, इंग्लिश टाइपिंग तो आपको ज़्यादातर ऑफिशियल ड्यूटी रहेगा, जैसे आपकी कंप्यूटर में ही आपको ड्यूटी रहेगा, है ना। LDC यानी लोअर डिवीजन क्लर्क की बात करूँ तो यहाँ पर क्लरिकल जॉब रहेगा, जैसे आपकी नहीं ज़्यादातर टाइपिंग करना पड़ेगा, काफ़ी सारे डाटा अपलोड करना पड़ेगा, इस तरह से काफ़ी सारे चीज़ करना पड़ता है ना, ये काफ़ी ऑफिशियल जॉब होता है। और दोस्तों एयरफोर्स ग्रुप सी यानी सिविलियन में सबसे अच्छी जॉब होता है LDC, करें आपकी स्टोर कीपर की तो काफ़ी अच्छी जॉब होता है ना। जो इंडियन एयरफोर्स में काफ़ी सारे स्टोर होता है जैसे आपकी क्लॉथ, वेजिटेबल्स, इसके लिए जो स्टोर काफ़ी सारे होता है वहाँ पर आपको एज एन स्टोर कीपर ज्वाइन करना पड़ेगा, है ना, वो काफ़ी अच्छी जॉब होता है।